या कहारों की तलवार अब बरसेगी हासिदीन मुखालिफीन और दुश्मनों पर, हर हाजत पूरी और हर दुआ कबूल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक ऐसा लफ्ज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो अपनी मिसाल आप है। जितने भी हासिदीन मुखालिफीन होंगे, जितने भी शर अंगेज़ होंगे, जितने भी शर पसंद होंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये या कहारू नंगी तलवार बनकर उन पर बरसेगा, और नंगी तलवार को बरसता हुआ आप अपनी सर की आंखों से देखेंगे। चाहे जिन्नात आपके दुश्मन हैं, शयातीन आपके दुश्मन हैं, शरीर इंसान आपके दुश्मन हैं, इंसानों के रूप में भी कई भेड़िए होते हैं। आपके घर में ऐसे मामलात होते हैं कि पैसे चोरी हो जाते हैं, या कपड़े कट जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, या कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है, तो ये अमल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर किस्म का दुश्मन दफा हो जाएगा, मुखालिफीन भाग जाएंगे, आप बुरी नज़र से बच जाएंगे, और ये अमल करके आप रिज़्क के लिए, पैसों के लिए, अपनी हाजतों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआएं कबूल होंगी और हाजतें पूरी होंगी। अमल सुन लें, रात को सोते वक़्त और फजर की नमाज के बाद आपने ये अमल मुसलसल 11 दिन तक करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी मुसलमान की हलाकत के लिए, मारने के लिए ये अमल जायज़ नहीं है। किसी मुसलमान को भगाने के लिए, उससे बचने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 1111 बार या कहारू पढ़ें, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, और ये अमल मुकम्मल करके अपने लिए सुबह और शाम दुआ करें, अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 7 दिन के अंदर अंदर आपकी दुआएं कबूल होंगी, हासिदीन दुश्मन मुखालिफीन भाग जाएंगे और इनके शर से आप बच जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हिफाजत फरमाएगा।